ई निर्माण प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जिसको हिंदी में त्रिभुजों के विभिन्न प्रकार का यहाँ पर निर्माण करना सीखेंगे। बच्चों, तुमने आसपास कई प्रकार के शेप देखे होंगे। उनमें से एक शेप ऐसा होता है जो अलग प्रकार का दिखाई देता है, जिसका प्रयोग आर्किटेक्चर तथा इंजीनियरों द्वारा काफी मात्रा में किया जाता है। ये शेप, जिन्हें आकृति भी कहते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर या संरचनाओं में दिखाई देती है, जैसे पुल, पैरामिड, घर की छत इत्यादि। और इस शेप को हम त्रिभुज यानी ट्रायंगल कहते हैं। अगर त्रिभुज नाम को अगर हम स्प्लिट या संधि विच्छेद करें तो त्रि का अर्थ है तीन तथा भुज का अर्थ है भुजा, यानी तीन भुजाओं से बना हुआ आकार। इसको ही ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज कहते हैं। इसका अर्थ यह भी होता है कि यदि तीन भुजाएं तीन एंगल बनाती हैं, उसे अंग्रेजी में ट्रायंगल तथा हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर यह कोण बनता है उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। त्रिभुज के अंदर के तीनों कणों का योग 180 होगा। अब हम त्रिभुज से अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं, तो अब चलिए हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का निर्माण करना सीखते हैं। एक्टिविटी टू क्रिएट डिफरेंट साइज ऑफ ट्रायंगल। अब हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ट्रायंगल, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है, उसका यहाँ पर निर्माण करेंगे। तो कौन कौन से हम ट्रायंगल बनाएंगे, वो है, पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्क्लेन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, और अंत में ऑब्स्टिट्यूट ट्रायंगल का हम यहाँ पर निर्माण करेंगे। ये जियोजेब्रा का इंटरफेस है, जिसमें आप यहाँ पे ग्राफिक व्यू जो है, यहाँ पे हम उसको एंगल को ड्रॉ करेंगे, और ये एलजेब्रा व्यू है जहाँ पर हम उसके बारे में एलजेब्रा प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लाइन सेगमेंट्स टूल को चुनेंगे और सेगमेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक डॉट यहाँ लगाएंगे और हम यहाँ पर दूसरा डॉट लगा के एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। आप एलजेब्रा व्यू में देख रहे हैं कि हमने एक डॉट लगाया, तो ग्राफिक व्यू में 0.2 में इसके बारे में बता रहा है, और बी पॉइंट को 4.2 के बारे में बता रहा है, और ए और बी जो हमारी लाइन सेगमेंट है, इसको हमने एफ नाम दिया है, उसको हमें बता रहा कि 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। अब इक्वलेटर जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, वो ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, चारों तरफ से बराबर होती है, और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो अब हम सबसे पहले ए एंगल को 60 डिग्री का बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एंगल टूल्स को सिलेक्ट करेंगे, एंगल विद गिवन साइज ले लेते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो हम बी को सिलेक्ट किया, फिर ए को सिलेक्ट करेंगे, तो ये पूछेगा कितने साइज का एंगल आपको ड्रॉ करना है। तो इसमें ऑलरेडी 60 आ रहा है, अगर इसमें कोई भी संख्या आती है तो आप उसको 60 लिख दीजिए। इसके बाद जो एंगल बनेगा काउंटर क्लॉकवाइज बनेगा, इसको हम ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक डॉट हमें प्राप्त हो गया ऊपर, और ये हमारा जो एंगल यहाँ से बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। अब हम ए से बी को और फिर बी वन से बी को क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम लाइन सेगमेंट में जाएंगे और यहाँ से हम बी वन को क्लिक कर लेंगे, और फिर बी वन से हम बी को क्लिक कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमारा एक ट्रायंगल बन गया है। अब यहाँ पर ए और ये बी वन यहाँ पे नाम आ रहा है और ये बी आ रहा है। आपको अगर बी वन नाम पसंद नहीं आया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करिए और सेटिंग में जाकर
ये जो बी है इसको आप यहाँ पे सी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे सी करेंगे तो ये सी आ जाएगा, तो ए बी और सी। अब हमें सी एंगल पता करना है कि ये कितने डिग्री का है, तो इसके लिए हम फिर एंगल टूल में जाएंगे और एंगल ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे हम पहले ए को क्लिक करेंगे, देखो हाइलाइटेड हो गया, फिर सी को और फिर बी को। तो आपने देखा 60 डिग्री का हुआ। इसी प्रकार बी को निकालेंगे, तो हम इसको फिर सेलेक्ट करेंगे सी को, फिर बी को और उसके बाद ए को सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारे जो तीनों एंगल हैं वो 60 डिग्री के हो गए। ये देखिए आप, ये तो आपने देखा कि हमारे जो ए बी और सी है तीनों 60 डिग्री के हैं, और जो हमारी तीनों लाइन है इक्वल है। अब इस लाइन की प्रॉपर्टी में जाकर हम इसको इक्वल का चिन्ह भी इस पर लगा सकते हैं। इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और स्टाइल चुनेंगे। स्टाइल में आप डेकोरेशन में जाएंगे और क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप देखे रहे, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। इसी प्रकार इस लाइन को भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइन भी इक्वल है, और इस लाइन को भी कर लेते हैं, और ये लाइन भी हमारी इक्वल है। यहाँ से हम इसको बंद करेंगे। तो आपने देखा कि ए बी और सी ये तीनों साइड से इक्वल है, तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के हैं, इसलिए हमने इसमें ये इक्वल का चिन्ह लगाया। अब हम इस एंगल का नाम भी यहाँ पे लिखेंगे, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वलेटर ट्रायंगल और इसको ओके कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने इसको नाम दे दिया इक्वलेटर ट्रायंगल। तो ये हमारा पहला एंगल बना जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है। अब आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल होंगी। ये कैसे बनेगा अब हम इसको देख लेते हैं। फिर हम लाइन सेगमेंट में जाएंगे और सेगमेंट को यहाँ पे चुनेंगे, एक डॉट हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमने डी और ई पॉइंट लिया है और आई उसका नाम दिया है। अब हमें बीचों बीच में एक पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेपेंडिकुलर टूल को लेंगे और यहाँ पे तीन लाइनें दे रखी हैं, पेपेंडिकुलर लाइन, पेपेंडिकुलर लाइन, पेपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो ये लेंगे जो इसमें हमें बीच की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्लिक करते ही आप इसमें ई को सिलेक्ट करिए, फिर आप डी को सिलेक्ट करिए। तो आपने देखा कि बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, ये तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, ये पॉइंट हमने यहाँ पर लगा लिया। अब हमें इस लाइन की आवश्यकता नहीं है, तो हम इस लाइन को हाइड कर देंगे। तो इसी लाइन पर हम राइट क्लिक करेंगे और जो सो ऑब्जेक्ट है जो सिलेक्ट हो रखा है इसको हम हटा देंगे। तो आपने देखा कि ये पॉइंट यहाँ से जो हमारी लाइन है वो हट गई है। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेंगे। इसके लिए हमें सेगमेंट टूल्स दोबारा लेंगे और यहाँ से एफ को और एफ से ई पॉइंट को हम जोड़ लेंगे। अब हम इन एंगल्स को मेज़र करते हैं कि ये किस प्रकार के एंगल बनते हैं। तो इसके लिए फिर एंगल टूल में जाएंगे और एंगल ले लेंगे, टूल ई डी, और जैसे ही ऐप को क्लिक करेंगे तो ये 58.84 का एंगल हमें बता रहा है। इसी प्रकार हम डी एफ और ई को क्लिक करेंगे तो ये 62.32 का एंगल बन रहा है। अब उसके बाद हम फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, तो ये 58.84। तो आपने देखा इसमें दो एंगल डी और ई एक समान है, 58.84 और 58.84, और एफ एंगल हमारा अलग है, ये 62.32 है। तो आपके दो एंगल बराबर होते हैं, जैसे इसमें लिखा है टू साइड्स आर इक्वल। तो आपने देखा कि हमारे टू साइड्स ये वाली और ये वाले एंगल दो हमारे इक्वल हो गए हैं। तो इसको भी हम इस लाइन की प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे
और यहाँ पे स्टाइल लेकर हम डेकोरेशन टूल में जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और तो आप देख रहे हैं कि पहली लाइन पे हमारा ये इक्वल का चिन्ह आया। अब हम दूसरी लाइन पे जाते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग, सेटिंग में जाके स्टाइल, डेकोरेशन टूल में जाके क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को चुनेंगे। तो आपने देखा कि हमारे दो एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो गया। तो इसको हम आइसोसेलेट ट्रायंगल बोलते हैं जिसकी टू साइड्स इक्वल है। जैसे ये वाला एंगल 58.84 और ये वाला एंगल 58.84। अब हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका नाम देंगे हम यहाँ पर आइसोसेलेस। ओके कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे नाम आ गया है। तो आपने देखा कि अभी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। अब स्क्लाइन ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी ऑल साइड आर डिफरेंट, जिसकी सारी साइड्स अलग अलग होंगी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम फिर लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। लाइन सेगमेंट में हम यहाँ पर एक डॉट यहाँ लगाएंगे और एक डॉट यहाँ पर लगाएंगे। तो आपको पता है कि कोई भी हम इसको बना सकते हैं क्योंकि इसकी ऑल साइड डिफरेंस है, तो कहीं पर भी हम एक डॉट लगा लेते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर डॉट लगा लिया, अब हम इसे लाइन से सेगमेंट से जोड़ लेंगे, जी से आई और फिर आई से हमने एच को जोड़ लिया। तो आपने देखा कि एक ट्रायंगल बन गया है जिसकी सारी साइड्स अलग अलग दिखाई दे रही हैं। अब हम इनके एंगल्स मेजर कर लेते हैं। एंगल टूल में जाएंगे तो सबसे पहले एच, जी और आई को क्लिक करेंगे तो 63.95 का एंगल बना। उसके बाद जी, आई और एच को क्लिक करेंगे तो 80.9 एंगल बना। इसके बाद हम आई, एच और जी को क्लिक करेंगे तो ये बना 30.15 का एंगल बना। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं इनको क्लियर से, ये मूव करके, मूव कमांड से ये। तो आपने देखा कि ये 85.9 डिग्री का एंगल है और ये 63.95 और 30.15। तो इस एंगल की सारी साइड्स अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्लेन ट्राइंगल, ऑल साइड आर डिफरेंट, इसकी सारी साइड्स कैसी हैं, अलग अलग। अब हम इसका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्लेन ट्राइंगल का, और ओके कर देते हैं। इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे लिख लेंगे तो एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया। अब हम राइट ट्रायंगल को बनाएंगे जिसकी वन साइड 90 डिग्री होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लाइन सेगमेंट को चुनेंगे, सेगमेंट को हम क्लिक करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसका नाम हमने दे दिया जे और के और लाइन है क्यू। अब हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और हमें पॉइंट के बारे में पता नहीं है पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो इसके लिए हम फिर पेपेंडिकुलर लाइन टूल को चुनेंगे, ये ऑप्शंस हैं, इसमें हम पेपेंडिकुलर लाइन लेंगे और इसको हम जहाँ पे हमें पहला पॉइंट चाहिए वहाँ पे हम पहले क्लिक करेंगे, यह हाईलाइटेड हो गया, उसके बाद हम के को क्लिक करेंगे। तो आपने देखा कि जे पॉइंट पर एक लाइन बन गई है, पेपेंडिकुलर लाइन बन गई है। यहाँ पे हम कहीं पे भी एक पॉइंट लगा लेंगे, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे लगा लिया है। अब हमें इस लाइन की आवश्यकता नहीं है तो हम इस पर राइट क्लिक करके सो ऑब्जेक्ट जो राइट हो रखा है इसको हटा देंगे, तो ये लाइन हट गई। अब हम इस लाइन डॉट्स को
सिगमेंट से जोड़ लेंगे, लाइन सिगमेंट से। ये हमने यहाँ जोड़ दिया और एल को फिर हमने कैसे जोड़ दिया। अब हम इन एंगल को मेजर करते हैं, तो जे एंगल को पहले मेजर करेंगे, फिर हम एंगल्स टूल में जाएंगे, पहले के को सेलेक्ट करेंगे, फिर जे को और फिर एल को। तो आपने देखा कि 90 डिग्री का एंगल हमें प्राप्त हुआ, तो के जे और एल 90 डिग्री का है। इसी प्रकार एल एंगल को भी नाप लेते हैं हम, तो यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक और यहाँ क्लिक करेंगे, तो 53 डिग्री का है। इसी प्रकार के को नाप लेते हैं, एल के और जे, तो ये 36.87 डिग्री का है। इसको मूव कमांड से हम ठीक से देख लेते हैं, ये 53.13, ये 90 डिग्री और ये आपका 36.87। तो इस प्रकार जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें वन साइड आपकी 90 डिग्री की होती है। इसको आप यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक्स्ट पे, इसका नाम है राइट ट्रायंगल। ओके करेंगे और इसको हल्का सा मूव करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। ऑब्स्ट्यूट ट्रायंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऑब्स्ट्यूट ट्रायंगल जब हम बनाएंगे उसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो वो कैसे बनेगा उसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले सिगमेंट में जाके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने एक डॉट यहाँ लिया और एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो P और Q हमने पॉइंट लिया, इसको D से बताया कि लाइन हमारी D है। अगला पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे, 90 डिग्री से हमारा एक एंगल बड़ा होगा तो पॉइंट हमारा इस तरफ आएगा, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ क्लिक कर दिया। अब हमें लाइन सेगमेंट से इसको जोड़ लेंगे आपस में, तो Q से हमने R को जोड़ा और R से हमने Q को जोड़ लिया। अब हम इन एंगल को मेजर करेंगे एंगल टूल से, पहले Q, P और R को हमने क्लिक किया, तो आपने देखा है 119.61 डिग्री है, तो ये 90 से बड़ा है। इसी प्रकार एंगल R निकालते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे R और Q, ये 39.89 डिग्री का आएगा, फिर R, Q और ये आपका आया 20। इसको हम ठीक प्रकार से देख लेते हैं मूव कमांड से, ये T हमारा 20.5 आया, यहाँ पे 39.89 और ये हमारा आया 119.61। तो एंगल Q, P और R हमारा 119.61 आया, जो 90 डिग्री से बड़ा, तो एक एंगल हमारा बड़ा होगा। P, R और Q 39.89 आया और हमारा R, Q और P 20.5 आया। तो आपने देखा कि ऑब्स्ट्यूस ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 से बड़ा होता है, तो इसको ऑब्स्ट्यूट ट्रायंगल कहते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं इसका नाम, ओके कर लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने जियोजेब्रा टूल्स की मदद से 6 प्रकार के एंगल्स यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रॉ किए। आप भी इसको आसानी से प्रैक्टिस करके इस पर बना सकते हैं और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको लाइन्स, आप इसको कलरफुल लाइन्स बनानी हो तो मैं एक ट्रायंगल को कलरफुल बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आप इसको जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो सेटिंग आएगा, सेटिंग में जाकर आप यहाँ पे कलर्स चुन सकते हैं। हमें अगर ये लाइन पसंद नहीं आ रही इसको हम रेड कलर कर सकते हैं, इसको भी हम कलर कर सकते हैं रेड कलर। उसके बाद ये लाइन है इस पर भी हम क्लिक करेंगे
इस सेटिंग में जाके इसको हम कलर कर सकते हैं रेड। तो आपने देखा कि ये हमारा जो ट्रायंगल है रेड कलर में हो गया। ये अंदर की लाइन से इसको भी आप कलर कर सकते हो। इस पे आप यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हो। यहाँ से राइट क्लिक करा, सेटिंग में गए और यहाँ पे कलर चुना। इसको अब जैसे रेडी देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रेड करा, ऐसी इस वाली लाइन है इसको भी हम यहाँ पे सेटिंग में जाके कलर करके इसको भी हम रेड कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने एक ट्रायंगल को रेड कलर का कर दिया। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक है, जहाँ से आपको अगर कोई नाम पसंद नहीं आता है तो आप उसको यहाँ से लेबल से नाम भी हटा सकते हैं। जैसे ये दे रखा है इसको भी हटा सकते हैं। कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चुन सकते हैं। स्टाइल लाइंस को, अब जैसे ये लाइंस हैं, ये वाली हम ले लेते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करा तो इसको हम थिकनेस लाइंस की पतला मोटा, जितना मोटा पतला हम इससे चाहे कर सकते हैं। ओपेसिटी कलर की, इसको लाइट और डार्क इससे हम कर सकते हैं ओपेसिटी से। स्टाइल मैंने बताया कि ये लाइन है, और डेकोरेशन में कई प्रकार की लाइन के बीच में अगर आपको कोई चीज़ ड्रॉ करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस भी है, कलर्स और लेयर्स के अनुसार। स्क्रिप्टिंग भी है यहाँ पर, और ये बेसिक टूल है। तो आपने देखा कि ये सारे टूल्स का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं, अपने डायग्राम, अपने जो फिगर्स हैं इसको और अट्रैक्टिव और सुंदर बनाने के लिए। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये टूल? बहुत अच्छा आपको ये लगा होगा। तो इस टूल की सहायता से आप कई प्रकार के एंगल्स बनाइए और उसको एक्सप्लोर करिए।